मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में जलभराव और बाढ़ के हालातों पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की है। अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। मंदसौर और नीमच सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने कहर मचा रखा है। मैं मंदसौर के संपर्क में लगातार बना हुआ हूं। मेरी सरकार से मांग है जनता की हालत पर ध्यान दिया जाए। कल ही मुख्यमंत्री से बात की और आज भी मांग कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आज से प्रदेश के कई इलाकों में निकल रहा हूं, किसानों के साथ हूं और हर संभव मदद के लिए तैयार हूं। साथ ही एक महीने का वेतन मंदसौर के बाढ़ पीड़ितों को दे रहा हूं। मैं केवल अपील कर रहा हूं, इस समय सरकार को मैदान में होना चाहिए, लोगों का दुख बांटना चाहिए। जब मुख्यमंत्री मैदान में होते हैं तो प्रशासन में कसावट रहती है और दुख बांटने से कम होता है। जिनका सब कुछ नष्ट हुआ है, समाज के लोग उनकी मदद करें। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। कई जिलों में और विशेषकर मंदसौर और नीमच जैसे जिलों पर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, निवाड़ी, बाढ़ कहर बनकर टूट पड़ी है। वैसे तो रायसेन हो, विदिशा हो, होशंगाबाद हो, मालवा निवाड़ के अलावा महाकौशल का अंचल हो, बारिश ने और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। मैं कल से मंदसौर के संपर्क में हूं। आधा मंदसौर डूब चुका है। सिवना में ऐसी बाढ़ पहले कभी देखी नहीं गई। कई निकाले जा चुके हैं लेकिन अभी कई फंसे हुए हैं। ऐसे संकट के समय मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, कल मैंने फोन पे भी बात की, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समय है मुख्यमंत्री जी जब सरकार को निकलना चाहिए, पीड़ित क्षेत्रों में जाना चाहिए, राहत और बचाव के काम व्यापक पैमाने पर हमें करना चाहिए। मैं स्वयं एक महीने का वेतन मंदसौर के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ दे रहा हूं।